मैनिफेस्टो जो है वो तो जाएंगे लोगों के पास लेके, पर मैं कुछ जिस चीज़ पे वोट मांगूंगा, एक तो मेरी पार्टी का मैनिफेस्टो है जिस पे मैं वोट मांगूंगा, दूसरा 2014 से लेके 24 तक जो गैप है उस गैप को पूरा करने की कोशिश करूंगा, और मेन मेरा रहेगा डेवलपमेंट, आवाम की जो परेशानियाँ हैं उनको समझ के उनकी सारी परेशानियाँ दूर करना, डेवलपमेंट। कंगन कॉन्स्टिट्यूंसी में कहीं रोड की दिक्कत है, कहीं पानी की दिक्कत है, कहीं पावर की दिक्कत है, कहीं पीएचई के हज़ारों मिसाइल हैं। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल करम से मेरी मेन प्रायोरिटी जो है वो डेवलपमेंट रहेगी। मैं डेवलपमेंट के नाम पे वोट मांगूंगा और साथ में यूथ जो है हमारा नौजवान है उस पे वोट मांगूंगा कि आप नौजवान को मैं ये बोलूँगा कि आप मेरा साथ दे दो, मैं इंशाल्लाह ताला जहाँ मेरे से चलेगी मैं आगे आपका साथ दूँगा, मैं एक नौजवान हूँ, मैं आपकी परेशानी को समझ सकता हूँ, आपके लिए हम इंडस्ट्री पॉलिसी है, यहाँ पे और कई प्राइवेट सेक्टर आने वाले हैं, गांधरबल में आए चाहे रियासत जम्मू कश्मीर में कहीं पे भी आए, मैं एमएलए बनूंगा तो मेरी हर जगह चलेगी, मैं इनको वहाँ पे एडजस्ट करने की कोशिश करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, टूरिज़्म एक बहुत अहम चीज़ है। टूरिज़्म तो सोनामर्ग ही क्या कि पूरी कश्मीर वैली की बैकबोन है, अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम कश्मीर में अगर कहीं किसी जगह रोज़गार है तो वही लोग हैं जो टूरिज़्म के साथ जुड़े हैं। आज भी कंगन कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर आप देखोगे तो हाड़ी गनीवन और मामर से पीछे मैक्सिमम जो लोग हैं उनका रोज़गार जो है वो टूरिज़्म के साथ जुड़ा है। इंशाल्लाह ताला आगे और इजाफा करेंगे, केबल कार है, कई और चीज़ें जो हैं वो टूरिज़्म में ऐड करेंगे और लोगों की खिदमत करूँगा। ऐसा बहुत सारे ऐसे मकाम करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि अगर प्रंग पार्क है और मियाँ साहब के टाइम में डंपिंग बना, वाइल्ड वाला देखा आपने, मनीगाम पार्क देखा, तो इन चीज़ें ऐसी चीज़ों को डेवलप किया जाएगा और इन्हीं की वजह से फिर लोगों का रोज़गार भी लगता है, कहीं ना कहीं कोई चौकीदार लग गया, कोई कुछ लग गया, तो ऐसे करके इन चीज़ों को भी डेवलप करेंगे, एरिया की भी डेवलपमेंट होगी और इंशाल्लाह ताला किसी का रोज़गार भी लग जाएगा। नाले सिंध जो यहाँ बड़ा इशू है जी, पहले नहीं था, पहले हर कोई आदमी आराम से अपने हिसाब से माइनिंग देता था, मेरा खुद का क्रेशर है, मैं खुद भी यही काम करता हूँ, मैं ये परेशानी क्योंकि मैं इससे परेशान हूँ तो मैं अगले की परेशानी ज़्यादा बेहतर समझूँगा। ये एक बहुत बड़ा इशू है, लोगों के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी है, तो इंशाल्लाह ताला इसको सॉर्ट आउट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। महंगाई इस माइनिंग की वजह से इतनी ज़्यादा हो गई है कि एक आम आदमी जो है वो इसको बेयर नहीं कर पाता है। ये सबसे बड़ा और सबसे अहम मुद्दा है माइनिंग का मसला जो है वो हल करने का। इसमें हज़ारों करोड़ों लोगों की रोज़ी जो है, खासकर कंगन कॉन्स्टिट्यूंसी गांधरबल के जो लोग हैं वो इस पर डिपेंड हैं, उनमें से एक मैं हूँ, मेरा भी क्रेशर है, मैं खुद भी इस परेशानी को समझ सकता हूँ। माइनिंग नौजवानों की रहनुमाई आप? बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ने चाहा तो मैं रहनुमाई करूँगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया।